नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह भारत के लिए, क्या कह सकते हैं आप। नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आपको बता दें, दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष नेताओं की मुलाकात चल रही है अभी इस वक्त अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। आखिरकार जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। पहली बार अमेरिकी बराक ओबामा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। व्हाइट हाउस में डिनर पर मुलाकात जारी है। पहले डिनर है, यानी एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर। हालांकि डिनर में प्रधानमंत्री, उनका व्रत चल रहा है, उनकी टीम जरूर डिनर कर सकती है, लेकिन जब खाना नहीं खा रहे होंगे तो शायद बातचीत ज्यादा कर रहे होंगे। और इनफॉर्मल मीटिंग के बाद एक फॉर्मल मीटिंग होगी। द्विपक्षीय बातचीत जो होगी वो इसके थोड़ी देर बाद शुरू होगी। न्यूयॉर्क से आज वॉशिंगटन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां व्हाइट हाउस में बराक ओबामा ने उनके सम्मान में भोज दिया है। भोज में दोनों पक्षों से 5-5 लोग शामिल हुए हैं। हालांकि नवरात्र की वजह से प्रधानमंत्री उपवास पर है, वो सिर्फ नींबू पानी पियेंगे। व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में आयोजित डिनर में अमेरिका की तरफ से ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति जो बिदेन, विदेश मंत्री जॉन केरी और एनएसए सुजान राइस शामिल हैं, जबकि भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए अजीत डोभाल, अमेरिका में भारत के राजदूत एस जयशंकर शामिल है। डिनर के बाद आज शाम मोदी और ओबामा के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है, क्या बातचीत होगी, क्या कार्यक्रम है, जानते हैं तेजेंद्र से, जिनसे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। और इस समय हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से आज तक संवाददाता तेजेंद्र सिंह। सीधे उनका रुख करेंगे। तेजेंद्र, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? डिनर लगभग कंप्लीट हो गया है और क्या कुछ जानकारी है? आज जब शाम को नरेंद्र मोदी एयरफोर्स एयर बेस पे उतरे तो वहाँ पे करीब 100 से अधिक भारतीय जमा थे और मोदी जी बाहर आए और उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत की। उसके बाद वो ब्लेयर हाउस में पहुँचे। यहाँ पर भी लोगों को ब्लेयर हाउस के और व्हाइट हाउस के बीच में जो सड़क है वहाँ पर उनको खड़े होने की कुछ देर इजाज़त दी गई। उसके बाद उन सबको उस पार्क में ले जाया गया जहाँ पर कि जो भारतीय हैं वो गरबा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उत्साह से। और वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप भी है जो कश्मीरियों का, और वो अलग तरह के नारे लगा रहे हैं, इन्हें प्रोटेस्ट मूड में हैं। और उसके बाद मोदी को कार, उनका जो कन्वो है वो घुमाकर साउथ गेट से उन्हें अंदर लाया गया। और ये जो डिनर चल रहा है ये ब्लू रूम में इसका आयोजन किया गया है। और जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था कि मिसेज ओबामा भी होंगी, लेकिन अभी हमको यहाँ खबर मिली कि मिसेज ओबामा डिनर अटेंड नहीं कर रही हैं और करीब 20 लोग जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। और काफ़ी और जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं ओबामा के साथ हैं। और इसके बाद कुछ ही देर में जब डिनर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो वापस ब्लेयर हाउस जाएंगे, तो और आज का जो उनका है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल सुबह की काफ़ी तैयारियां हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और सुबह और उनकी ओवल ऑफिस में जो ओबामा से ऑफिशियल मीटिंग है और उसके उसके एंड में कुछ पत्रकारों को अंदर जाके सिर्फ तस्वीरें लेने की अनुमति है। और अदरवाइज आज का जो जैसे डिनर है ये कम्प्लीटली क्लोज्ड प्रेस है, यानी किसी भी पत्रकार को या किसी भी कैमरामैन को अंदर इसमें जाने की अनुमति नहीं है। जी, आप तेजेंद्र, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक ही दौरे के दौरान एक पहले डिनर होता है, उसके बाद बातचीत होती है, तो दो बार जो मुलाकात होगी, एक बार हो चुकी है, दूसरी बार जो होगी, क्या इसके भी कुछ इम्पोर्टेंस है? जैसे ही मोदी ने ब्लेयर हाउस छोड़ के निकले उनका कन्वो, उसी समय व्हाइट हाउस ने एक विजन की स्टेटमेंट इशू की कि जिसमें उन्होंने कहा कि साथ चलना है। और वो स्टेटमेंट काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने सब कुछ पॉइंट्स दिए हैं। और ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर है। और जैसा कि आगे कुछ दिन पहले मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो मेड इन इंडिया है और मेक इन इंडिया है और जो मेक इन यूएसए है ओबामा ने जो पहले कहा था, तो ये इसमें कोई क्लैश तो नहीं है?
तो हमें मुझे बताया गया था एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल, दो व्हाइट हाउस ऑफिशियल उस दिन हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें बता रहे थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो चाहते हैं कि मेक इन इंडिया भी हो और मेक इन यूएसए भी हो, कुछ चीजें जो वो हैं इंडिया में बहुत अच्छी बन सकती हैं, कुछ चीजें जो है अमेरिका में अच्छी बन सकती है, और हम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं है, हम एक दूसरे की कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं। जी शुक्रिया तेजेंद्र सिंह से बातचीत करने के लिए।